हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मूवमेंट। फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर, जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपैट एग्जाम, बी फार्म कर रहे स्टूडेंट्स या एम फार्म कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या फिर जो बच्चे बी फार्म कर चुके हैं, एम फार्म कर चुके हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करने के इच्छुक हैं और जॉब में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल आसान भाषा में हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? इट इज एन ऑथराइज्ड रिटन डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन और एनी एक्टिविटी। SOP एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथराइज पर्सन द्वारा लिखा जाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या जरूरत है और कैसे उसको करना है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड प्रोसीजर अबाउट सिस्टम्स अप्लीकेबल टू वेरियस ऑपरेशन। एक डिटेल में प्रोसीजर प्रोवाइड करता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो किसी इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, या सिस्टम के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, या क्लीनिंग या मेंटेनेंस या एक्सेट्रा। वट आर द इन प्रोसेस चेक्स पैरामीटर ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिलिंग के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो कि चेक करना होता है? इसमें जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है अपीयरेंस। किसी भी कैप्सूल का साइज, शेप, कलर और उस पर प्रिंटेड लेटर्स या लोगो है या नहीं है, ये एक चेक करना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पैरामीटर होता है वो होता है ग्रुप वेट ऑफ फिल्ड कैप्सूल। किसी भी कैप्सूल का ग्रुप में वेट चेक करना एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके बाद इंडिविजुअल वेट ऑफ फील्ड कैप्सूल चेक करना होता है। किसी भी कैप्सूल का इंडिविजुअली वेट चेक करना इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि यूनिफॉर्म वेट में जो है कैप्सूल फील्ड हैं या नहीं है। इसके बाद जो चेक करना होता है वो होता है हमारा नेट फील्ड ऑफ द पाउडर। किसी भी कैप्सूल के अंदर नेट फील्ड ऑफ द पाउडर कितना है? जैसा कि हम जानते हैं कैप्सूल 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें आयली फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में जो है कंटेंट फिल्ड होता है। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें पाउडर फॉर्म में या फिर पैलेट्स के फॉर्म में कंटेंट फिल्ड होता है। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनमें जो है बॉडी एंड कैप को डिस्क्लोज करके उसके अंदर का जो नेट फिल्ड कंटेंट होता है उसका वेट चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इससे पता चलता है कि हमने जो कैप्सूल के अंदर कंटेंट फिल किया वो प्रॉपर एवरेज वेट में है या नहीं है, एज पर रिक्वायर्ड वेट उसके अंदर फिल किया गया है या नहीं किया गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है वो लॉकिंग लेंथ आता है। किसी भी कैप्सूल का लॉकिंग लेंथ चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इससे पता होता है कि हमारा कैप्सूल प्रॉपर लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। कैप्सूल जैसा कि हम जानते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि साइज 2, साइज 1, साइज 0, डबल साइज एंड ट्रिपल साइज के होते हैं, जिनके अलग अलग साइज के कैप्सूलों का अलग अलग लॉकिंग लेंथ होती है। जैसा कि साइज 2 की लॉक लेंथ होती है 17.5 एंड साइज 1 की लॉक लेंथ होती है 19.2 mm एंड साइज 0 की लॉक लेंथ होती है 21.3 mm एंड साइज 00 की लॉक लेंथ होती है 23.6 mm और साइज 00 की जो लॉक लेंथ होती है वो 26.14 mm होती है। इस तरीके से अलग अलग साइज के जो कैप्सूल होते हैं उनके अलग अलग लॉकिंग लेंथ होती है। इसके बाद जो चेक करने का हमारा पैरामीटर होता है वो होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। किसी भी कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इससे चेक करना होता है कि कैप्सूल कितने टाइम में जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन दोनों टाइप्स के कैप्सूलों का अलग अलग टाइम होता है, जो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 15 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है कि 30 मिनट होता है। व्हाट आर द इन प्रोसेस चेक्स पैरामीटर ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। टैबलेट कंप्रेशन के दौरान कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि चेक करना जरूरी होता है?
तो टैबलेट कंप्रेशन के दौरान किसी भी टैबलेट का अपियरेंस चेक करना होता है, ग्रुप वेट चेक करना होता है, इंडिविजुअल वेट वेरिएशन चेक करना होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ दी वेट चेक करनी होती है, थिकनेस टैबलेट की चेक करना होता है, डायमीटर टैबलेट्स का चेक करना होता है, हार्डनेस चेक करना होता है, फ्राइबिलिटी चेक करना होता है, कंपैक्शन फोर्स चेक करना होता है, डाई फील्ड डेप्थ भी चेक करनी होती है, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ दी टैबलेट्स भी चेक करना होता है और स्पीड ऑफ दी मशीन चेक करना होता है। किसी भी टैबलेट का अपियरेंस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि चेक करना होता है। एक गुड अपियरेंस की टैबलेट होना एक जरूरी पैरामीटर होता है। टैबलेट का ग्रुप वेट करना होता है, 10 या 20 टैबलेट्स का एज पर डॉक्यूमेंट्स चेक करना होता है। इंडिविजुअल वेट वेरिएशन टैबलेट्स में के वेट में जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसलिए वेट वेरिएशन की लिमिट होती है जो कि इंडिविजुअल वेट वेरिएशन चेक करना होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ दी वेट टैबलेट्स में के वेट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। टैबलेट्स की थिकनेस एज पर डॉक्यूमेंट्स जो है होती है जो कि एज पर डॉक्यूमेंट जो है चेक करना होता है। डायमीटर टैबलेट्स का डायमीटर लेंथ विड्थ और डायमीटर फिक्स होते हैं एज पर पंच साइज। इसके बाद जो चेक करना होता है हार्डनेस, टैबलेट की हार्डनेस चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके बाद हमें चेक करना होता है फ्राइबिलिटी की ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कितना जो है टैबलेट लॉस होगी, इसके लिए एक पैरामीटर होता है फ्राइबिलिटी जो कि चेक करना जरूरी होता है। एज पर इंडियन फार्माकोपिया फ्राइबिलिटी की लिमिट जो होती है नॉट मोर देन 1% होती है। कंपैक्शन फोर्स एक पैरामीटर होता है, वो भी चेक करना होता है। डाई फील्ड डेप्थ, डिसइंटीग्रेशन टाइम, स्पीड ऑफ दी मशीन। डिसइंटीग्रेशन टाइम टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करना जरूरी होता है क्योंकि कि टैबलेट कितने टाइम में जो है डिसइंटीग्रेट होगी बॉडी में या फिर इन वीवो या इन विट्रो, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है चेक करने के लिए। तो दीज आर दी पैरामीटर्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू चेक्स ड्यूरिंग कंप्रेशन। वट आर दी इन प्रोसेस चेक्स पैरामीटर ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कि जो कि चेक करना जरूरी होता है। किसी भी टैबलेट की कोटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं चेक करने वाले या फिर आफ्टर कोटिंग जो पैरामीटर चेक किए जाते हैं वो होते हैं अपियरेंस। किसी भी टैबलेट्स का अपियरेंस चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिससे कि टैबलेट्स पर कितना अच्छा कलर की कोटिंग हुई या फिर कोई डिफेक्ट्स है कोटिंग में या कलर में मॉडलिंग है, कलर में डिसकलर है कोई भी टैबलेट्स, ये एक अपेयरेंस की कैटेगरी में आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। उसके बाद हमें जो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है कि जो पैरामीटर चेक करना होता है वो टैबलेट का इनलेट टेम्परेचर चेक करना होता है कि हमारा ड्यूरिंग कोटिंग जो है कितना इनलेट टेम्परेचर है। उसके बाद पैन का आरपीएम, टैबलेट के साइज, टैबलेट की क्वांटिटी और टैबलेट के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि कोटिंग के पैन का आरपीएम कितना है, रोटेशन पर मिनट पैन का कितना है होना है या कितना रखना चाहिए। उसके बाद जो गन डिस्टेंस फ्रॉम टैबलेट बेड, किसी भी टैबलेट्स और गन के बीच में जो है कोटिंग के दौरान कितना डिस्टेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके बाद जो पैरामीटर होता है स्प्रे रेट, कितने ml सॉल्यूशन पर मिनट जो है कि स्प्रे हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि चेक करना होता है। वेट गेन, टैबलेट कोटिंग के दौरान या आफ्टर कोटिंग कितना वेट गेन की, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है चेक करने के लिए। इसके बाद जो पैरामीटर होता है ग्रुप वेट ऑफ कोटेड टैबलेट्स, कोटिंग के बाद कितना जो है टैबलेट का वेट बढ़ा, अनकोटेड टैबलेट्स का कितना था और कोटिंग के बाद कितना वेट हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है चेक करने के लिए, जिससे पता चलता है कि हमारा वेट गेन कितना हुआ। इंडिविजुअल वेट ऑफ कोटेड टैबलेट्स चेक करना एक पैरामीटर होता है। टैबलेट की थिकनेस भी चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। टैबलेट्स की थिकनेस चेक करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इससे हमें पता चलता है कि अनकोटेड टैबलेट्स की थिकनेस कितनी थी और आफ्टर कोटिंग टैबलेट्स की थिकनेस कितनी हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच आर चेक्स ड्यूरिंग कोटिंग एंड आफ्टर कोटिंग। वाट आर द डिफेक्ट्स इन कंप्रेस्ड टैबलेट्स, कंप्रेस्ड टैबलेट्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं आइए जानते हैं।
कंप्रेस टेबलेट्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें जो पहला डिफेक्ट्स आता है उसे हम कहते हैं पिकिंग। पिकिंग द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबलेट्स एंड इट्स अडेरेंस टू द फेस ऑफ पंच। किसी भी पंच में टेबलेट्स के मटेरियल के एडहेयर हो जाने की प्रक्रिया को हम पिकिंग कहते हैं। ये एक टेबलेट्स का डिफेक्ट्स होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टिकिंग। स्टिकिंग द एडिशन ऑफ ग्रेनुलेशन मटेरियल इनटू द डाई वाल। किसी भी डाई की वाल में जो है टेबलेट्स का मटेरियल मतलब ग्रेन्यूल्स का चिपक जाने की प्रक्रिया को स्टिकिंग कहते हैं। ये एक टेबलेट्स का डिफेक्ट्स होता है। इसके बाद जो डिफेक्ट्स आता है उसे हम कैपिंग कहते हैं। द अपर आर लोअर सेगमेंट ऑफ द टेबलेट सेपरेट्स हॉरिजेंटली आइदर पार्शली आर कंप्लीटली फ्रॉम द मेन बॉडी एंड कम्स ऑफ एज कैप ड्यूरिंग इजेक्शन फ्रॉम द टेबलेट प्रेस आर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज कैपिंग। किसी भी टेबलेट्स का अपर और लोअर सेगमेंट पार्शली अथवा कंप्लीटली जो है सेपरेट हो जाने की प्रक्रिया को ही हम कैपिंग कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है डिफेक्ट्स होता है जो कि टैबलेट्स में आता है। लेमिनेशन, किसी भी टैबलेट्स में का अपर लेयर लोअर लेयर या टू आर मोर डिस्टिंक्ट लेयर में जो है सेपरेशन की प्रक्रिया को जो है लेमिनेशन कहते हैं। वेट वेरिएशन, किसी भी टैबलेट्स में वेट वेरिएशन कंप्रेशन के दौरान या कंप्रेशन के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स होता है। ब्रोकन टैबलेट्स, किसी भी टैबलेट का ब्रोकन हो जाना एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स होता है। चिप्ड टैबलेट्स के इज का टूट जाना ड्यूरिंग कोटिंग या आफ्टर कंप्रेशन ये एक डिफेक्ट्स होता है जो कि कंप्रेस टैबलेट्स में होता है। रफ सरफेस, किसी भी टैबलेट्स का सरफेस रफनेस होना एक रफ सरफेस डिफेक्ट्स होता है। ऑयल स्पॉट, किसी भी टैबलेट्स पर ऑयली स्पॉट होना ये भी एक टैबलेट्स के डिफेक्ट्स में होता है। ब्लैक स्पॉट, किसी भी टैबलेट में ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाना ब्लैक स्पॉट कहलाता है। डबल कंप्रेशन, किसी भी टैबलेट पे डबल कंप्रेस हो जाना उसके लोगो पे डबल कंप्रेशन हो जाना उसके साइज में चेंजेज आ जाना डबल कंप्रेस के डिफेक्ट्स में आता है। इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी टैबलेट्स का जो है इनकरेक्ट फॉर्म में कंप्रेस हो जाना इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन में के डिफेक्ट्स में आता है। डिबोसिंग एम्बोसिंग, किसी भी टैबलेट्स पर अगर कोई लोगो प्रिंटेड है या कोई लेटर प्रिंटेड है वो जो है कि आगे या पीछे या मिस कंप्रेस होता है डिबोसिंग या एम्बोसिंग होती है तो इस डिफेक्ट्स को हम डिबोसिंग या एम्बोसिंग कहते हैं। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स विच आर आफ्टर कंप्रेशन और ड्यूरिंग कंप्रेशन पाए जाते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिटेल में काज एंड रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट्स विच आर फाउंड इन टैबलेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।